दुर्गति को। कई लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा मंदिरों में जाते थे, इतना बड़ा सब कुछ था, पूजा पाठ करते थे, विधर्मी आए हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो हमारे देवी देवता कहाँ चले गए? देव देवता कहीं नहीं चले गए, देव देवता अभी भी है। हनुमान जी है या नहीं कि नहीं पृथ्वी पर, है या नहीं है, एक बार अंत अपने आप से पूछ लेना। नहीं तो मानते हो तो फिर जाओ किसी कोने में जाके लटक जाओ। फिर जब शास्त्र कहता है, जो प्रमाण है, श्री हनुमान जी साक्षात विराजमान सब शरीर पृथ्वी पर है, तो फिर प्रश्न किस बात का, किस देवताओं को तुम अवतार, पृथ्वी पर अवतार हो जाए, कहाँ से अवतार हो जाए? हनुमान जी स्वयं अवतारी बन के तुम्हारे साथ 24 घंटे बैठे हुए हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सब शरीर हनुमान जी है पृथ्वी पर, अब किस अवतार की जरूरत है? अरे वो पहले से ही है, उनको तो जागृत करने की जरूरत है, उनको उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, और कहां से तुम्हारे लिए अवतार प्रकट होगा, तो पहले से प्रकट हो चुका है, बस तुम्हें आभास नहीं है। प्रकट होना चाहिए, प्रेम ते प्रकट हो में जाना, तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, अपने शास्त्रों पर, अपने संतों पर, अपने महापुरुषों पर, अपने देवी देवता पर विश्वास हो, दृढ़ हो, निष्ठा होनी चाहिए। किसी ने कह दिया इधर उधर की बात हो तुम, उनकी बातों में आकर इधर उधर अपना भूल जाते हो, और अशास्त्रीय लोगों को क्यों पूजते हो? क्या आवश्यकता थी ये सब, इन जो जिसने कभी जीवन में राम नहीं कहा, जिसने जीवन में कृष्ण नहीं कहा, जिसने कभी राम की पूजा नहीं की, जिसने कृष्ण की पूजा नहीं की, जिसने कभी यज्ञ नहीं किया, कभी हवन नहीं किया, उसकी मूर्ति बनाकर तुम लोग मंदिरों में बैठा रहे, घरों में बैठा रहे, इससे ज्यादा तुम्हारी विनाश और विनाशकारी बुद्धि का क्या प्रमाण हो सकता है बताइए? और कोई प्रमाण चाहिए कि तुम लोग कितने अपने पतित हो चुके हो ये बताने के लिए? और कोई प्रमाण चाहिए? और दुर्भाग्य की बात है कि संत समूह को भी, इस धर्माचार्य को भी इस विषय में बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा ना वो बचने वाला नहीं है। आप कितने भी टाइटल लगा के छुपने की कोशिश करो, नहीं बचोगे एक दिन।